सीएससी में काफी सारे सर्विस होने के बावजूद भी आप वहां पर ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ये वीडियो काफी मदद करेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे सीएससी में कौन सा सर्विस में कितना पैसे मिलता है, यानी कि कितना कमीशन मिलता है, सीएससी वैली एक महीने में कितना पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो काफी सारे सीएससी वैली ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि कौन से सर्विस में ज्यादा पैसे मिलता है, क्योंकि सीएससी सर्विस में हजारों सर्विस है जिसमें बहुत ही कम सर्विस ऐसा है जहां पर आपको ज्यादा पैसा मिलता है, यानी कि कम मेहनत करने पर आपको ज्यादा पैसे मिलता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सीएससी वैली कौन से हिसाब से काम करेंगे, यानी कि कौन से सर्विस को फोकस करके काम करेंगे तो वो अच्छा कमा सकते हैं, या फिर आप कौन सा सर्विस में कितना कमीशन मिलता है आपको जानना है तो वीडियो को आप देखिए आखिर तक। अगर आप एक नया सीएससी वैली है, यानी कि सीएससी आईडी आपको हाल ही में मिला है, या फिर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि सीएससी में एक्चुअली में कमीशन कितना मिलता है, कि अगर आप यहाँ पर काम करेंगे कोई भी सर्विस को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा, आपको वो जानना भी चाहिए, क्योंकि तब जाके वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, कमीशन के बारे में, कि सीएससी में कौन सा सर्विस को यूज़ करने पर आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। सबसे पहले तो बात करेंगे सीएससी सर्विस अगर आप लेते हैं जिस भी जगह से, वहाँ पर आपको उसी सीएससी आईडी में आपको सैकड़ों सर्विस मिलेगा, जिसमें कोई भी सर्विस ऐसा नहीं होगा जिसमें पैसा ना मिले। पैसा मिलना पक्का ही है, बट आप उसे सही तरीके से यूज़ करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो भी सर्विस है आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दरअसल सर्विस है क्या, बट आपके एरिया में ये सर्विस चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे टाइप का कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके एरिया के हिसाब से कौन सा सर्विस बेस्ट है। सबसे पहले और बड़ा सर्विस की बात करें जो है पीएमजी दिशा। अगर आप स्टूडेंट को एनरोल कर सकते हैं और अपने यहाँ दो चार कंप्यूटर रख के काम करवा सकते हैं, जिसमें कस्टमर यानी कि स्टूडेंट आएगा और उसको फ्री में एडमिशन हम देंगे, उसके बाद उसको पास आउट कराएंगे, उसके बाद आपको जो इनकम होगा वो 200-400 रुपया एक्स्ट्रा इनकम होता है, वो अलग बात है, वो एक्स्ट्रा है एक तरह से। आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होगा आपको एट ए टाइम कुछ कंप्यूटर परचेस करके एक सेटअप करना होगा जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप का बनाना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप वहाँ पर जितना भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट कराएंगे सभी को पास आउट कराएंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है हर महीने, बट ये सभी लोग नहीं कर पाते पीएमजी दिशा। इसीलिए बोल रहा हूँ आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले फिल्टर कर लेना होगा कि आपके एरिया में कौन सा सर्विस बेस्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है एजुकेशन की बात हो गया, आप वहाँ पर पढ़ा भी सकते हो और वहाँ से भी इनकम हो जाएगा। और एक और सर्विस है जहाँ पर आपको अच्छा इनकम होता है वो है आधार सेंटर का। पता होगा आपको जैसे कि सीएससी में क्या हुआ है, यूसीएल सर्विस होता है जो कि करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, बट हाल ही में ही एक अपडेट आया था कि अगर आप सीएससी में यूसीएल काम करते हैं, आधार का काम करते हैं, तो वहाँ पर आप अभी आधार का काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन रखा गया है, आप न्यू अप्लाई तो पहले से ही नहीं कर सकते थे बट अभी करेक्शन भी नहीं करेंगे। करेक्शन इन द सेंस आप नेम वगैरह डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेंज जो कर सकते थे अभी नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ मोबाइल नंबर ऐड, ईमेल आईडी ऐड, ये सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन काम कर सकते हैं जिसमें कमीशन थोड़ा कम है। और भी सर्विस है जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, टेलीकॉम, टैक्स। अगर आप गूगल में आएंगे यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है सीएससी कमीशन चार्ट 2023 पीडीएफ डाउनलोड, तो ये फेक वेबसाइट आया है, ठीक है, ये फेक वेबसाइट है जहाँ पर आपको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। एक और सर्विस है मैं आपको बताना चाहता हूँ डीजीपी का। सीएससी में ज़्यादातर लोग डीजीपी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको जो है बैंक का सीएसपी मिलता नहीं है। अगर आपको बैंक का सीएसपी मिलता है तब भी डीजीपी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डीजीपी लाइट वर्जन लॉन्च हो गया है जिसमें आपको अच्छा सर्विस दे रहा है, मतलब कि आपको फर्स्ट सर्विस वहाँ पर मिलेगा। तो सीएससी डीजीपी लाइट में आपको कितना कमीशन मिलेगा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देख सकते हैं अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको उसके ऊपर पैसा मिलता है, जैसे कि आप 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे TDS भी कटेगा, आपका शेयर भी अलग है, और नेट वैली शेयर जो है 0.30 पैसा मिलेगा 100 रुपये करने पर। और दूसरा कंपनी में जाएंगे तो आपको 200-400 रुपये में कोई भी पैसा नहीं मिलता, बट यहाँ पर 100 रुपये से ही स्टार्ट है। यहाँ पर देखेंगे 1000 रुपये करेंगे तो आपको कम से कम 3.72 रुपये मिलेंगे। इसके बाद जैसे आप नीचे आ जाएंगे और 2000 करेंगे उल्टल किसी भी कस्टमर का आधार से, तो आपको मिलेगा 7.52 रुपये
अगर आप 2500 करेंगे तो आपको मिलेगा 9.42 रुपये। हालांकि यहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट मिलता है लेकिन TDS कट होता है। ये TDS आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आप ITR फाइल करेंगे तब। इसके बाद लास्ट में है 3000 जब आप करेंगे तो आपको 11.32 रुपये मिलेंगे। बट यहाँ पर 4000-5000 में क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि हाईएस्ट आपको 11.32 रुपये ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। अगर आप 5000 भी करेंगे तो आपको 11.32 रुपये ही मिलेंगे। ये अच्छी बात है कि DGPay में बाकी अदर सर्विस के हिसाब से आपको ज़्यादा मिलता है और आपको यूज करना भी चाहिए। और इसके अलावा काफ़ी सर्विस है जो कि अगर आप इंश्योरेंस किसी का अप्लाई करते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, सब कुछ कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, फास्टैग रिचार्ज, टेलीकॉम, कोई भी फ़ोन प्रीपेड रिचार्ज करना चाहते हो, टैक्स पेमेंट करना चाहते हो, टैक्स टू विन भी यहाँ पर आ चुका है। टैक्स टू विन से आप ITR फाइल कर सकते हो, DTH रिचार्ज कर सकते हो, हेल्थ कार्ड बना सकते हो। हेल्थ के बारे में आप यहाँ पर कस्टमर को सर्विस दे सकते हो जिसमें आपको अच्छा इनकम होता है। कैश का, पेंशन का, वाटर का, ट्रैवल, आप IRCTC का एजेंट ID भी यहाँ से ले सकते हो। और एक एक करके मैं सारे सर्विस का कमीशन बताने बैठूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका एक सिंपल सलूशन है, मैं बताऊँगा आपको कैसे आपको चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, फ़ीस पेमेंट कर सकते हो, कोई भी एजुकेशन फ़ीस हो या फिर कोई भी ऑनलाइन फ़ीस हो, लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद स्किल्स के रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ई स्टोर खोल सकते हो, एक छोटा सा ग्रामीण स्टोर अपने रूरल एरिया में, और कस्टमर को सर्विस दे के पैसे कमा सकते हो। एग्रीकल्चर का सर्विस दे सकते हो, बैंकिंग का सर्विस दे सकते हो, और गवर्नमेंट का जितना भी सर्विस है जो कि CSC के साथ टाइप है दे सकते हो। अभी एक एक करके इसमें अगर आप कमीशन को छाटोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप ये समझ लो एक तरह से आप एक ही जवाब अगर आप चाहते हो तो आपको ये सोचना है कि जो भी सर्विस यूज करेंगे अगर आप एक्स्ट्रा रुपीज नहीं लेंगे कस्टमर से तो आप तो पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि जितना भी CSC सर्विस आता है सभी में एक तरह से बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम। जैसे आप फसल बीमा करते हो, तो एक गवर्नमेंट सर्विस वो है, अगर आप फसल बीमा करते हो तो वहाँ पर रसीद में आएगा आपका कुछ कमीशन, वहाँ पर जो है क्रेडिट हो जाएगा आपके 20 रुपये या फिर 10 रुपये, और जो रसीद में निकलेगा 2040। अभी तो इस साल फ्री हो गया था, मान लो जीरो हो गया था, तो आप कस्टमर से आप चार्ज नहीं कर सकते। बट आपका स्कैनिंग का खर्चा, आपका प्रिंट आउट का खर्चा, आप जो बैठोगे मेहनत करोगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो उसका चार्ज अगर आप नहीं लोगे तो आप दिन में 200 से 300 रुपये भी नहीं कमा सकते। नॉन ऑफिशियली सारे लोग लेते हैं लेकिन आपको उसे लेना होगा जो कि वाजिब हो। ऐसा नहीं कि कस्टमर से आप जाती कर रहे हो, मतलब 50, 60, 100, 70, 80, 150 इतना तक आप ले सकते हो सर्विस को देखकर। यानी कि आपको हर सर्विस में 100-150 के अंदर आपको लेना है और आपको मिलने भी चाहिए। अगर आपके दुकान में 50 से 100 कस्टमर आते हैं और अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हो कस्टमर से तो ही आपका अच्छा इनकम होगा, मतलब 1000 रुपये तक इनकम हो सकता है। बट अगर आपके दुकान में 10-20 कस्टमर आते हैं तो आप उतना पैसा नहीं कमा सकते। तो इसीलिए आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा के कस्टमर को उस तरीके से आपको मैनेज करना होगा जो कि वो कस्टमर भी कंप्लेन ना करे। कमीशन की बात करें वही है कि इंश्योरेंस में करेंगे या फिर कोई भी रिचार्ज करेंगे या फिर कोई भी सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको रसीद में निकल के आता है कि आपको कितना पैसा लेना है। फिर भी आपको दिखना है, खुद दिखना है, तो आप यहाँ पर जो भी सर्विस को यूज़ करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको वॉलेट लेजर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि कौन सा सर्विस में आपका कितना पैसा कटा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक सर्विस किया था जो कि है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें जो है अभी जो है पैसा तो नहीं कटा था, कितना रुपए कटा था आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिसमें जितना पैसा कटता है एक्चुअल में आपको उस हिसाब से पैसे लेना होता है कस्टमर से। जैसे पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा सर्विस है अभी CSC के लिए। UTM में पैन कार्ड अप्लाई करना हो या फिर NSDL में 20-40-50 रुपये चार्ज कर सकते हो। अपने हिसाब से आप वो चार्ज कर सकते हो जो कि कस्टमर को भी अच्छा लगे, वो भी खुश होकर दे। यहाँ पर जैसे कि 97 रुपीज़ कटा, ये है पैन कार्ड का सर्विस, जिसमें 97 रुपीज़ मेरे वॉलेट से कट गया। अगर वो 97 रुपीज़ ही थे, क्योंकि रसीद में निकलेगा 107 रुपीज़, पैन कार्ड का जो गवर्नमेंट का फीस है 107 रुपीज़ निकलेगा, मतलब कि आपको 10 रुपये एक तरह से मिलेगा। तो पैन कार्ड अप्लाई करोगे, इतना प्रिंट आउट निकालोगे, तीन चार पेज फ़ोटो को वहाँ पर अटैच करके आप स्कैन करोगे, उसे अपलोड करोगे, तो आपको 10 रुपये में होगा क्या? तो आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा कस्टमर से, जो कि कस्टमर भी अच्छे से खुश होकर दे, उसका काम भी हो जाएगा। तो आपको खुद देखना होगा। CSC का कमीशन कोई भी मायने नहीं रखता, जितना भी CSC ने कमीशन बनाया है बहुत ही कम बनाया है मेरे हिसाब से, इतना कम कि कोई भी अपना फैमिली का गुजारा नहीं कर सकता, ये मैं साफ बोल रहा हूँ। अगर आप सहमत हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो।
और ऐसा भी नहीं कि सीएससी ने मतलब बहुत ही कम सर्विस दिया है, सीएससी ने बहुत ही सर्विस दिया है, जिसमें आधा आधा तो क्या 90% बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, उसको पता नहीं है। सबसे फोकस वाला सर्विस कौन सा है, पैन कार्ड है, डीजीपे है, पीएमजी दिशा, ये सब कुछ जो लोग मतलब जहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा पैसा मिलता है वो लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं, बाकी सर्विस को वो ध्यान नहीं देते। आपको सीएससी का हर एक सर्विस को ध्यान देना चाहिए ताकि आपको अच्छे से इनकम हो। और एक बात पैन कार्ड की बात से याद आया, अगर आप पैन कार्ड सीएससी से अप्लाई करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट से करेंगे nsdlpanagent.com से, तो आप जैसे कि यहाँ पर nsdlpanagent.com लिखेंगे तो आपके सामने हमारा वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ईकेवाईसी पैन कार्ड 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड आ जाता है। और इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको एक आईडी लेना होगा, जिससे कि 250 का रिटेलर है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो रिटेलर अनलिमिटेड बना सकते हैं और उसके भी आपका कमीशन अलग होगा। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों बना सकते हैं, उसके लिए भी अलग होगा। आप जितना बड़ा आईडी लेंगे आपका पैन कार्ड का जो कमीशन ज़्यादा मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नंबर भी है, आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे भी मैंने नंबर दिया हुआ है, साथ में आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। तो आप पैन कार्ड का सर्विस यूज करने के लिए हमें डायरेक्टली कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सीएससी में जो भी सर्विस यूज होता है मेनली आपको वही देखना होगा कि सीएससी में कमीशन कितना देता है। और कमीशन की बात करें तो जितना भी कमीशन है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सभी सर्विस को यूज करना है बस। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो।